और सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सिंह सांडले ने जिला वासियों से अपने 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजॉल खिलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुफ्त में बच्चों को एल्बेंडाजॉल की दवा खिलाने का कार्य किया जा रहा है। और सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सिंह सांडले ने कहा है कि पेट में कीड़े होने की वजह से बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास रुक जाता है, इसलिए 1 से 19 तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजॉल की खुराक अवश्य लेनी चाहिए कि गोली खिलाई जाती है। मैं आज स्कूल में इसलिए आया हूं क्योंकि आज नेशनल डिवॉर्मिंग डे है। 18 सितंबर को हर वर्ष की तरह हम नेशनल डिवॉर्मिंग जो स्कूल होते हैं उनको सेंसिटाइज करते हैं और एल्बेंडाजॉल की गोलियां देते हैं। इसमें हमारे ये स्कूल हमने चिन्हित किया है क्योंकि इसमें बच्चों की संख्या ज्यादा है और यहाँ का स्टाफ काफी कोऑपरेटिव है। जितनी भी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको सेंसिटाइजेशन के लिए ये स्कूल अग्रिम रहता है। मैं इसलिए यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं पुष्पलता उनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ये आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से सामान्य अस्पताल भिवानी से सीनियर सर हमारे विद्यालय में अपनी टीम के साथ उपस्थित हुए हैं और आज नेशनल डिवॉर्मिंग डे हमारे विद्यालय में मनाया जा रहा है और इसमें विद्यालय की सभी छात्राओं को एल्बेंडाजॉल की टैबलेट खिलाई जाएगी और कृमिमुक्त भारत बनाने के संदर्भ में इस दिन को मनाया जा रहा है और हमारे विद्यालय के समस्त स्टाफ और जो टीम इंचार्ज है उसका पूरा प्रयास है कि सभी बच्चे एल्बेंडाजॉल की टैबलेट खाएं, कोई भी बच्चा छूटे नहीं, जिससे अनियमित भारत बनाया जा सके। और इसी संदर्भ में